यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इसराइल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपनी तलवार मियान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों को नाश करूंगा, इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सबको नाश करने वाला हूं। इस कारण मेरी तलवार मियान में से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी, तब सब प्राणी जान जाएंगे कि यहोवा ने मियान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। सो हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार, और जब वे तुझसे पूछे कि तू क्यों आह मारता है, तब कहना, समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए और इसलिए झलकाई गई कि बिजली की नाई चमके, तो क्या हम हर्षित हो? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है, और वह झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए, वह इसलिए सान चढ़ाई और झलकाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य के संतान, चिल्ला और हाय हाय कर, क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है, वह इसराइल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए, इस कारण तू अपनी छाती पीट, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई, और यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी न रहे तो क्या? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। सो हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार, और तीन बार तलवार का बल दुगुना किया जाए, वह तो घात करने की तलवार बरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। मैंने घात करने वाली तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया है कि लोगों के मन टूट जाए और वे बहुत ठोकर खाए। हाय हाय, वह तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने को सान चढ़ाई गई है। सिकुड़कर दहिनी ओर जा, फिर तैयार होकर बाई ओर मुड़, जिधर भी तेरा मुख हो मैं भी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा, मुझे यहोवा ने ऐसा कहा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, दो मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की तलवार आए, दोनों मार्ग एक ही देश से निकले, फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनिये के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर भी चले, क्योंकि बाबुल का राजा तिरमुहाने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बूझने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया और गृह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। उसके दहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे, फाटकों की ओर युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए, परंतु लोग तो
उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे। उन्होंने जो उसकी शपथ खाई है, इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा है और तुम स्मरण में आए हो, इसलिए तुम उन्हीं से पकड़े जाओगे। और हे इस्राएल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय पहुंच गया है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे, वह जो कत्यो नहीं रहेगा, जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर, मैं उसको उल्टा दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हां उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। फिर हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उनकी की हुई नामधराई के विषय में यो कहता है, तू यो कह, खींची हुई तलवार है, वह तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। उसको मियान में रख, जिस सांस में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा और मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा और तुझे पशु सरीखे मनुष्य के हाथ कर दूंगा जो नाश करने में निपुण है। तू आग का कौर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा, तू स्मरण में न रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है।